वेलकम बैक टू माई यूट्यूब पेपर के इस वीडियो में अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर आपका सेवनटीन जो कि आपका जुलॉजी का पोर्सन है ठीक है जुलोजी का बीएससी हम पढ़ रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर के लिए ठीक है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ठीक है आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी जो कि आपका जुलोजी का लॉन्ग आंसर का सेवनटी क्वेश्चन है ठीक है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो से लेकर 16 तक हमने डिस्कस कर आज हम बात करेंगे की कह करे रक्त स्कंदन क्या है जो आपका ब्लड क्लोटिंग होता है वो क्या है ब्लड क्लोटिंग या आपका ब्लड कोगुलेशन ये क्या है कह रहा रक्त में या रुधिर में थक्का जमने की नवीन परिकल्पना का वर्णन कीजिए ठीक है पहले बताना कि आपका जो ब्लड क्लोटिंग या रक्त स्कंदन है वो है क्या उसके बाद कह रहा है कि थक्का जमने की जो आपका ब्लड क्लोटिंग है या रक्त में थक्का जमने की नवीन परिकल्पना का वर्णन कीजिए ठीक है क्या करना है नवीन परिकल्पना या मॉडर्न थ्योरी ठीक है या, या रिसेंटली थ्योरी ठीक है रिसेंट जो मतलब अभी हाल ही में जनरेट थ्योरी हुई है उसको हमें बताना है ठीक है यह आपसे पूछ सकता है अथवा इसी को किस तरह से पूछ सकता है कि रुद्र में थक्का जमने की नवीन परिकल्पना का बारे में ठीक है ब्लड क्लोटिंग अब यहाँ से आपने आंसर करना है रक्त स्कंदन या आपका क्या हो जाएगा ब्लड क्लोटिंग तो किस तरह से ब्लड क्लोटिंग होती है जब कहीं कभी कभार हमको चोट लग जाती है कट जाते हैं ठीक है तो क्या होता है हमारी टूट फूट हो जाती है ठीक है तो उनमें होता क्या है ब्लड बहने लगता है ठीक है क्या होने लगता है ब्लड बहने लगता है धीरे धीरे अब इसी को ये ब्लड ना बह पर क्या हो जाती है क्लोटिंग हो जाती है क्या हो जाती है एक गाढ़ा पदार्थ बन जाता है जिससे कि आपका और ज्यादा ब्लड वहां से बहना रुक जाता है ठीक है उसी को कहते हैं ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का जमना कह रहा है जब शरीर के किसी भाग पर चोट लग जाती है कहीं पर भी आपको चोट लग जाए शरीर के किसी भाग में तो उस भाग की ऊतकीय रुधिर कोशिकाएं जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये आपकी क्या होती हैं ऊतकीय रुधिर कोशिकाएं ठीक है थीके? कौन सी जिनमें आपका ब्लड जो है फ्लो करता है तथा वाहनिया टूट फूट जाती हैं क्या हो जाता है वाहनियां या आपकी रुधिर कोशिकाएं क्या हो जाती हैं टूट फूट जाती हैं तो कह रहा है इससे एक द्रव निकलता है क्या होता है एक द्रव निकलता है जो तुरंत ही जैली के समान एक पदार्थ के रूप में जम जाता है क्या हो जाता है जैली के समान ठीक किस है किसकी तरह जैली मत जैली आपकी कैसी होती है थोड़ी गाढ़ी होती है ठीक है तो ये जैली के समान क्या हो जाता है तुरंत ही जैली के समान एक पदार्थ के रूप में क्या हो जाता है भैया जम जाता है ठीक है जब वो जम जाएगा तो आपका ब्लड बहना क्या हो जाएगा रुक जाएगा ठीक है इस प्रकार के बने पदार्थ को थक्का तथा प्लाज्मा या सीरम से थक्का बनने की प्रक्रिया को रक्त स्कंदन या थक्का बनना कहते हैं ठीक है तो इस प्रकार से जो आपका पदार्थ का थक्का बनेगा क्या बनेगा पदार्थ का थक्का तथा क्या होगा प्लाज्मा सीरम से थक्का बनने की प्रक्रिया को रक्त स्कंदन या थक्का बनना कहते हैं ठीक है ये कहाँ से बना था आपका एक पदार्थ निकला था क्या निकला था आपका एक द्रव निकला था जो क्या हो गया तुरंत ही जैली के समान एक पदार्थ के रूप में क्या हो गया जम गया ठीक है जब वो जम जाएगा तो इसी प्रकार के पदार्थ को थक्का ठीक है जो आपका थक्का बना रहा है ये पदार्थ जो आपका कहाँ से निकला था जो आपकी कोशिकाएं और आपका कहती थी वाहनिकाएं जो आपकी टूट फूट गई थी ठीक है तो उसी को क्या कहेंगे यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी रक्त स्कंदन या थक्का बनना इसी को कहते हैं ठीक है प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन अधन और आपका क्या हो गया एग्रीगेशन होता है ठीक है और फाइब्रिन का डिपोजिशन और आपका क्या होता है मैचुरेशन होता है क्या होता है अभी कोएगुलेशन या ब्लड स्कंदन is ठीक है क्या है ये कोएगुलेशन या इसको क्या कहते हैं रक्त स्कंदन ठीक है कोएगुलेशन या रक्त स्कंदन इसमें क्या होता है आपका जो आपकी प्लेटलेट्स होती है क्या होता है प्लेटलेट्स होती हैं उनका क्या होता है एक्टिवेशन क्या होता है एक्टिवेशन यानी कि एक ऐसी होती है आपकी सक्रिय होती है पहले सक्रियण ठीक है क्या होता है इनका एक्टिवेशन होता है और क्या होता है एक्टिवेशन और अधेशन ठीक है मीन्स जुड़ाव क्या होगा इनका सक्रिय होगा और जुड़ाव होगा और क्या होगा इनका एग्रीगेशन क्या हो जाएगा एग्रीगेशन यानी कि ये कैसे हो जाएंगी अब आपकी एकत्रीकरण हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा एकत्रीकरण करण, करण यानी कि इकट्ठी हो जाएंगी और आपका जो फाइब्रिन है क्या है फाइब्रिन वो क्या हो जाएगा उसका डिपोजिशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा उसका मैचुरेशन हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा डिपोजिशन और मैचुरेशन यानी कि पक्का हो जाएगा कैसा हो जाएगा पक्का ठीक है डिपोजिशन मीन्स क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा या इसकी मतलब जो है खपत हो जाएगी ठीक है कम हो जाएगा तो इस तरह से आपका हो जाएगा जो है ब्लड का क्लोटिंग या रक्त का स्कंदन या रक्त का थक्का बनना ठीक है तो इतना आपको यहाँ तक याद रखना है इसके बाद कह रहा है थक्का जमने की क्रियाविधि अब आपका जो थक्का बनता है वो किस तरह से बनता है क्या क्रिया होती उसको हमने पढ़ना है ठीक है तो थक्का किस तरह से बनता है थक्का बनने जमने की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ क्लोटिंग स्तनधारियों में जो आपके मैमल्स होते हैं स्तनधारी होते हैं थक्का बनने की क्रिया रुधिर में पाई जाने वाली बिलयशील रुधिर प्रोटीन क्या होता है आपका एक प्रोटीन होती है जो कैसा होता है बिलयशील होता है ठीक है रुधिर में पाया जाता है फाइब्रिनोजन के अविले रेशेदार रेसेदार प्रोटीन क्या होता है फाइब्रिन किसमें फाइब्रिन में परिवर्तन द्वारा होती है ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है क्या लिखा जो आपके स्तनधारी या मैमल्स होते हैं उनमें थक्का जमने की क्रिया प्रक्रिया ठीक है रुद्र में पाई जाने वाली बिलयशील कैसी बिलयशील यानी कि घुलनशील कौन सी प्रोटीन होती है आपकी फाइब्रिनोजन क्या होता है फाइब्रिनोजन के अबिलेशील रेशेदार प्रोटीन फाइब्रिन में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है आपका इसी प्रक्रिया द्वारा जो है आपकी रुद्र का थक्का जमता है ठीक है यानी कि जो आपका फाइब्रिनोजन है क्या है आपका फाइब्रिनोजन जो कि आपका क्या है एक प्रकार का क्या है रुधिर में बिले प्रोटीन है अब ये किस में बदल जाता है आपका ये आपका बदल जाता है फाइब्रिन में किस में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है किस में कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन जो कि आपका कैसा होगा अबिले और रेशेदार अबिले और आपका कैसा होगा रेशेदार फाइब्र रेशेदार प्रोटीन होगा ठीक है तो यही क्या होता है आपका ये जो है थक्का जमने की क्रियाविधि जो है इस प्रकार से होती है ठीक है करें इस क्रिया का निर्धारण निम्नलिखित पदों में भिन्न भिन्नत कर सकते हैं ये जो आपकी क्रिया है कौन सी आप, कौन सी वाली क्रिया है भी आपका जो बिलेसिल रुद्र प्रोटीन है फाइब्रिनोजन इसका कन्वर्जन किसमें हो रहा है आपका रेसेदार प्रोटीन फाइब्रिन जो कि आपका अविले है ठीक है तो इस, ये इस वाली जो क्रिया है आपकी फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनना तो ये क्रिया निम्न पदों में जो है होती है ठीक है तो पहला आपका स्टेप हो जाएगा पद नंबर वन क्या हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्मुक्त होना अथवा रुधिर में थ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रियता की उत्पत्ति क्या है अब आप तक आपका जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इसका क्या होगा ये निर्मुक्त होगा और क्या होगा उसका रुधिर में थ्रोम्बोप्लास्टिक सक्रियता की उत्पत्ति यानी कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिक है इसका इसको क्या करना है एक्टिवेशन करना है ठीक है ये किस तरह से आपका एक्टिवेट होगा ठीक है किस तरह से ये कार्य करेगा तो सबसे पहले यही पढ़ना है ठीक है होना अथवा रुधिर में थ्रोम्बोप्लास्टिक सक्रियता की उत्पत्ति किस तरह से होगी करा स्तनधारियों के शरीर में परिवहन के समय जब आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का तो रुधिर में थ्रोम्बोप्लास्टिन अनुपस्थित होते हैं क्या होता है जब आपका ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है या ब्लड एक जगह से दूसरी जगह गति करता है तो क्या होता है उस समय आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होते हैं अनुपस्थित होते हैं नहीं होते हैं तथा थ्रोम्बोप्लास्टिक थ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रियता सक्रियता थक्का बनते समय कुछ विशेष कारकों के के फलस्वरूप शुरू होती है क्या होती है जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिक सक्रियता है ये कब शुरू होती है थक्का बनते समय कब याद रखना है ये थ्रोम्बोप्लास्टिक सक्रियता यानी कि ये कब एक्टिवेट होता है ये एक्टिवेट होता है थक्का बनते समय ठीक है थक्का बनते समय कुछ विशेष कारकों के सम्मिश्रण अब इसमें कुछ विशेष कारक होंगे जो आपस में मिल जाएंगे ठीक है और उसके फलस्वरूप ये जो है सक्रियता शुरू हो जाती है इन कारकों में मुख्यतः आपका क्या होगा फास्फोलिपिड कैल्शियम आयन क्या होगा आपका फास्फोलिपिड कैल्शियम आयन और आपका क्या होगा एंटी हीमोफिलिक कारक सम्मिलित है ठीक है तो ये विशेष कारक जो है आपके क्या है फास्फोलिपिड कैल्शियम आयन और आपका क्या होगा एंटी हीमोफिलिक कारक ये दो चीजें जो है इसमें आपकी सम्मिश्रण है ठीक है ये कारक रुधिर प्लेटलेट्स के फटने पर उत्पन्न एक प्रकार के लवड़ीये कारक हैं ये उत्पन्न कब होते हैं जब आपका रुधिर प्लेटलेट्स है जब वो आपकी फट जाती क्या हो जाता है फट जाती है तब ये उत्पन्न होते हैं आपके दोनों ठीक है फास्फोलिपिड कैल्शियम आयन और आपका ही, एंटी हीमोफिलिक कारक ठीक है दूसरा पद आपका कह रहा है पद सेकंड कह रहा है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन अब आपका जो प्रोथ्रोम्बिन है कौन सा है प्रोथ्रोम्बिन है ये आपका किसम बदलेगा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा ठीक है किस तरह से होगा यह रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक एंजाइम है क्या है आपका जो प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या है आपका एक एंजाइम है जो कि आपका आवश्यक होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए ठीक है किसके लिए ब्लड क्लोटिंग के लिए आपका जो है आवश्यक होता है ठीक कह रहा है थ्रोम्बिन का निष्क्रिय है क्या है आपका एंजाइम है जो कि थ्रोम्बिन का कैसा है निष्क्रिय है यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है ठीक है इनएक्टिव होता है ठीक है कैसा होता है इनएक्टिव होता है कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में प्रो थ्रोम्बोप्लास्टिन या आपका क्या हो जाएगा या थ्रोम्बोप्लास्टिक सक्रियता के फलस्वरूप यह त्वरित गति से थ्रोम्बिन में परिवर्तन परिवर्तित हो जाता है अब ये कब जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है ये कब थ्रोम्बो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा कब होगा जब आपका जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, क्या है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन या आपका थ्रोम्बोप्लास्टिक ठीक है सक्रियता जब ये सक्रिय होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोप्लास्टिक ये आपका कब सक्रिय होता है कैल्शियम आयन की उपस्थिति में ठीक है किसकी उपस्थिति में कैल्शियम आयन की उपस्थिति में अभी आपका क्या हो जाएगा सक्रिय हो जाएगा इसी के दौरान ठीक है सक्रियता के फलस्वरूप यह तुरंत गति से थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है कौन आपका प्रोथ्रोम्बिन ठीक है क्या प्रोथ्रोम्बिन ठीक है किसके कारण थ्रोम्बोप्लास्टिक के सक्रिय सक्रिय हो, होने के कारण तुरंत ही किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है या थ्रोम्बिन में जो है बदल जाता है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है आपका जो थर्ड स्टेप है कह रहा है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में रूपांतरण अब क्या होगा भी फाइब्रीनोजन किसमें कन्वर्ट होगा तो यहां पे लिखा है कि पूर्व में परिवर्तित थ्रोम्बिन क्या अभी हमने देखा था सेकंड पद में क्या था आपका थ्रोम्बिन जो कि आपका प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ था किस में हुआ था प्रोथ्रोम से प्रोथ्रोम टू थ्रोम्बिन ठीक है किसमें प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन तो भी भाई लिखा है कि पूर्व में परिवर्तित थ्रोम्बिन एक प्रोटियो कैसा है कि प्रोटीन युक्त ठीक है क्या है आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम है ऐसा एंजाइम जिसमें आपका कुछ प्रोटीन पाया जाता है क्या पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है कह रहा जो कि विलयशील है कैसा है सोलुगल है यानी कि घुल जाता है प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन को क्या करता है विलेशील प्रोटीन फाइब्रिन में बदल देता है क्या करता है भाई विलेशील प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है फाइब्रिनोजन को किसमें फाइब्रिनोजन विलेशील प्रोटीन फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है ठीक है किसमें कन्वर्ट कर देगा भाई फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है ठीक है इसके आगे कह रहा है लेकिन वर्तमान मत के अनुसार यानी कि जो आपका रिसेंटली थ्योरी है उसके अनुसार प्रारंभ में तो फाइब्रिन अनुब्लेशील होते हैं कैसे होते हैं पहले तो ये ब्लेशील हो, होते हैं यानी कि फाइब्रिनोजन से बनते हैं तो ये फाइब्रिन पहले तो कैसे होते हैं आपके बिलेशील होते हैं या सोलुबल होते हैं ठीक है परंतु कैल्शियम आयन तथा फाइब्रिन का स्थिरीकरण करने वाले कारक की उपस्थिति में यह अविलेशील हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं अविलेशील महीन तंतु बनाते हैं ठीक है किसकी उपस्थिति में कैल्शियम आयन तथा फाइब्रिन का स्थिरीकरण या कैल्शियम आयन के साथ इनको रखा जाए या फाइब्रिन का क्या कर दिया जाए स्थिरीकरण कर दिया जाए ठीक है यानी कि स्टेबलाइजेशन कर दिया जाए ठीक है तो क्या होगा करने वाले कारकों की उपस्थिति में एक ऐसा हो जाता है ये आपका अविले महीन तंतु बनाते हैं जो कि प्लाज्मा से अलग होने पर नीचे बैठकर तंतुवत जालक बनाते हैं अब ये प्लाज्मा से अलग हो जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे और क्या करेंगे ये तंतुवत जालक टाइप बना लेंगे ठीक है छोटे छोटे रेशों का एक जालक बन जाएगा जो कि आगे की प्रक्रिया में भाग लेते हैं अब इसके आगे जो प्रक्रिया होगी उसमें ये आपके जालक थ, क्या होंगे जो तंतुनुमा जालक बने होंगे ये आपके भाग लेंगे ठीक है आगे की प्रक्रिया में तो यहाँ पर आपको दे रखा है क्या है द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन ये जो प्रक्रिया है आपकी ये क्या है आपकी ब्लड कोएगुलेशन की प्रक्रिया है क्या है ब्लड क्लोटिंग क्लोटिंग या को एगोलेशन ठीक है रक्त का थक्का जमना तो सबसे पहले क्या था सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब कोई स्तनधारी ठीक है जो आपका ब्लड क्लोटिंग है वो मोस्टली कहाँ होता है स्तनधारियों में होता है ठीक है तो उसमें होगा क्या मान लो आपकी बहनियाँ या आपकी जो बैसल्स होती हैं उनमें टूट फूट हो जाती है ठीक है या प्लेटलेट्स होती हैं वो टूट फूट हो जाती तो क्या हो जाता है आपका यहाँ से रुधिर बहने लगता है क्या बहने लगता है रुधिर ठीक है तो फटी हुई रुधिर प्लेटलेट्स ये क्या है आपकी फटी हुई रुधिर प्लेटलेट्स है ये ठीक है क्या है आपकी फटी हुई रुधिर प्लेटलेट्स है जहाँ की जहाँ से आपका ब्लड जो है बह रहा है ठीक है अब इसके बाद क्या करते हैं इसके बाद आपका क्या होता है जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिक या थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है क्या होता है थ्रोम्बोप्लास्टिक या आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ठीक है ये आपका प्लेटलेट्स में पाया जाने वाला एक एंजाइम है थ्रोम्बोप्लास्टिक क्या है कहाँ पाया जाता है प्लेटलेट्स में ठीक है प्लेटलेट्स में पाया जाता है और क्या है एक प्रकार का एंजाइम है क्या है आपका एंजाइम है प्लेटलेट्स में जो है आपका पाया जाता है ठीक है अब इसका क्या होता है सबसे पहले ये आपका एक्टिव होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रियता सबसे पहले ये आपका एक्टिव होगा ठीक है क्या होगा ये एक्टिव होगा और क्या बना लेगा ये आपका किसकी किसकी उपस्थिति में एक्टिव होगा ये कैल्शियम आयन की उपस्थिति में ये आपका क्या हो जाएगा एक आपका दूसरा और जो है होता है क्या नाम है उसका एंटी हीमोफिलिक क्या होता है एंटी हीमोफिलिक कारक कैल्शियम आयन ये आपका क्या होगा एंटी हीमोफिलिक अंटी हीमोफिलिक कारक ठीक है तो इस तरह से इन दो कारकों की उपस्थिति में ये क्या हो जाता है आपका एक्टिव हो जाता है या सक्रिय हो जाता है कौन आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन ठीक है अब क्या होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है प्रोथ्रोम्बिन को किसको प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन किस में होता है थ्रोम्बिन में ठीक है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करता है जो आपका सक्रिय सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन होता होता है है होता है है ठीक क्या क्या करता थ्रॉ... प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है अभी आपका प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया ठीक है प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया अब आपका जो थ्रोम्बिन है ये आपका क्या करेगा ये आपका फाइब्रिनोजन को किसको फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में किसमें फाइब्रिनोजन को ये यहाँ पर ये कुछ गलत लिखा हुआ है ये सीधे आपका यहाँ पर आएगा ठीक है फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में किसमें फाइब्रिनोजन कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन जो कि आपका कैसा होगा पहले आपका सोल्यूबल रहता है पहले कैसा रहता है ये आपका सोल्यूबल रहता है ठीक है पहले कैसा होता है आपका बिलेशल होता है लेकिन जब इसको इसका स्थिरीकरण करवा दो यह आपको या आप क्या कर दो भाई इसके साथ में ठीक है कैल्शियम आयन कारक के साथ में इसको रख दो तब क्या होता है, हो जाता है? कैसा होता है? हो जाता है. ठीक है ठीक है तो कुछ समय बाद ये कैसा हो जाता है अविलेशल हो जाता है तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया है जो कि आपका ब्लड कोएगुलेशन होता है या ब्लड क्लोटिंग होती है ठीक है पहले क्या था आपका जहाँ पर ब्लड था जो टूटी टूटी फटी आपकी से निकल रहा था उसके बाद थ्रोम्बो आया इसको एक्टिवेट करा किसने कैल्शियम आयन या आपका क्या था एंटीफिलिक एंटी हीमोफिलिक एंटी -हीमो आपका कारक था इसके बाद ये आपका सक्रिय हो गया ठीक है अब आपका क्या था प्रोथ्रोम्बिन था जो कि प्रोथ्रोम्बिन आपका थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा था किसके थ्रू थ्रोम्बोप्लास्टिन के थ्रू अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है जो आपका फाइब्रिनोजन होता है ठीक है फाइब्रिनोजन ये क्या करता है थ्रोम्बो थ्रोम्बिन फाइब्रिन ओजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में ठीक है किसमें फाइब्रिन में जो कि पहले तो ये सॉल्युबल होता है ठीक है लेकिन कुछ समय बाद ये कैसा हो जाता है आपका इनसॉल्युबल हो जाता है और ये क्या बना लेता है आपके जालक बना लेता है ठीक है क्या बना लेता है आपके जालक बना लेता है ठीक है तंतुवत तो जालक बना लेगा इसके बाद फोर्थ स्टेप है तीन हो गई फोर्थ स्टेप है आपका चौथा पद कह रहा है रुधिर प्लेटलेट्स की क्रिया अब आपका जो रुधिर प्लेटलेट्स है या आपका ब्लड प्लेटलेट्स हैं इनकी क्रिया कैसे होती है इनको आपको पढ़ना है ठीक है तो कह रहा है कि यह है, माना जाता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या जो सबसे शुरू में हमने पढ़ा था थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर प्लेटलेट्स में होता है किसमें होता है रुधिर प्लेटलेट्स या आपकी ब्लड प्लेटलेट्स में आपका पाया जाता है ऐसा माना जाता है कह रहा है बाद में बाद में रुधिर प्लेटलेट्स के फटने पर स्वतंत्र हो जाता है भाई रुद्र प्लेटलेट्स में पाया जाता है आपका क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन जब रुद्र प्लेटलेट्स आपका फट जाता है तो ये कैसा हो जाता है स्वतंत्र हो जाता है ठीक है बाहर आ जाता है रुद्र प्लेटलेट्स उस समय फटती है कब फटती है जब रुधिर कोशिकाओं अथवा रुद्रवाहनियों के क्षतिग्रस्त हो जाने से रुधिर बहने लगता है मान लो अगर आपको कहीं चोट लग गई है तब क्या होगी आपकी जो रुधिर वाहिकाएं होंगी क्या होंगी रुद्र कोशिकाएं या रुधिर वाहनिया क्षतिग्रस्त हो जाएंगे जब चोट लग जाएगी आपको तो क्या होगा तब जाके आपका ब्लड बहने लगता है और उसी समय आपका प्लेटलेट्स जो है फट जाता है ठीक है क्या हो जाता है प्लेटलेट्स फट जाता है और वहां से क्या फ्री हो जाता है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकल जाता है कह रहा है इसके फलस्वरूप अन्न बहुत से कारक भी सक्रिय होकर थक्का बनाने की क्रिया को प्रभावित करते हैं इसी के साथ साथ कुछ और जो है आपके आवश्यक या इम्पोर्टेंट जो है कारक होते हैं वो भी जो है ब्लड क्लोटिंग में जो है भाग लेते हैं किसमें भाग लेते हैं भाई ब्लड क्लोटिंग में भाग लेते हैं ठीक है नेक्स्ट कह रहे हैं स्कंदन का महत्व अब जो आपका ब्लड कोएगुलेशन है या आपका ब्लड क्लोटिंग है इसका महत्व तो क्या है ठीक है सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोएगुलेशन तो इसके क्या महत्व है बस आपने ये पढ़ना है और आपका जो है आंसर यहाँ से हो जाएगा ठीक है इतना ही आपने लिख देना है ठीक है तो रक्त स्कंदन में आपने बस यही लिखना है सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड क्लोटिंग क्या हो जाएगा कि प्रत्येक जीवधारी में ठीक है जितने भी आपके जीवधारी हैं उनमें क्या होता है इस प्रकार की घटना एक अपना महत्व है ठीक है तो इस प्रकार की घटना का एक अपना अलग ही महत्व है किसका रक्त स्कंदन का ठीक है सभी जीवधारियों में एक विशेष प्रकार की घटना है जो कि क्षतिग्रस्त वाहिनियों या कोशिकाओं के प्रति एक सुरक्षात्मक रूप है क्या है सुरक्षात्मक रूप है कौन सा आपका ब्लड क्लोटिंग ठीक है जो आपकी क्षतिग्रस्त वाहनियां या कोशिया कोशिकाएं हैं उनके प्रति क्या है यह एक सुरक्षात्मक रूप है ठीक है जहां मान लो आपको कई चोट लग गई ठीक है क्या हो गया चोट लग गई और ब्लड बहने लगा तो यहाँ पर अगर आपकी ब्लड क्लोटिंग हो रही है क्या हो रहा है ब्लड क्लोटिंग हो रही है तो ये कह सकते हैं कि जो आपकी कोशिकाएं हैं या आपकी वाहनियां हैं ठीक है क्षतिग्रस्त उनके लिए ऐसा काम करता है भी सुरक्षात्मक रूप है किसी रुधिर वाहिनी या कोशिका के फटने पर इससे तुरंत ही रुधिर बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है आपको जरा सी चोट लगते ही जो है ब्लड आपका बाहर आने लगता है ठीक है इसके प्रभाव से छोटे छोटे जख्मों से अत्यधिक रक्त स्राव कम हो जाता है किसके प्रभाव से ये जो आपका ब्लड क्लोटिंग है जब ये बनने लगता है तो क्या होता है आपके छोटे छोटे जो जख्म होते हैं वहां से आपका रक्त रक्त स्राव कैसा हो जाता है कम हो जाता है ठीक है अगर ब्लड क्लोटिक कम होगी तो रक्त श्राफ ज़्यादा होगा और आपको जो है गंभीर बीमारी हो सकती है ठीक है कह रहा है यह टिश्यूज को हील या ठीक करने में क्या करने में हील करने मतलब ठीक करने में हेल्प करता है जो आपके टिश्यूज़ होते हैं उनको भी यह ठीक करने में मदद करता है लेकिन जिन मनुष्यों में ये क्षमता नहीं होती है क्या होता है जिन मनुष्यों में ये क्षमता नहीं होती है उन्हें हीमोफीलिया का रोग पाया जाता है क्या पाया जाता है उनमें हीमोफीलिया का रोग जो है पाया जाता है जिनमें आपकी ब्लड क्लोटिंग की क्षमता नहीं होती है इस प्रकार के रोग से मनुष्यों के बचने की संभावना बहुत ही कम होती है क्या होता है इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जिनमें ब्लड क्लोटिंग कम होता है ठीक है तो उनके बचने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है ठीक है यानी कि ब्लड जो है उनका लगातार निकलता रहेगा और ब्लड बहुत कम हो जाएगा यह जो है लगातार रक्तस्राव होता रहता है क्या होता रहता है या लगातार रक्त श्राव होता रहता है लगातार रक्त श्राव होगा तो आपके शरीर में या बॉडी में जो है ब्लड बहुत कम हो जाएगा और जो है आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी या आपके बचने की जो है संभावना बहुत ही कम हो जाएगी क्या हो जाएगी बचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी ठीक है तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन जिसमें हमने जाना था कि रक्त स्कंदन क्या है क्या रक्त स्कंदन क्या है या आपका ब्लड क्लोटिंग क्या है उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में बने रहिए हमारे साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर द वीडियो